अगर हम लोग बात करते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में यानी कि जो जनरली आपने डायग्राम देखे होंगे आपने जब बुक्स पढ़ते होंगे या आप जब जनरली आपसे पेपर में पूछा जाता होगा या आप इक्वलेंट सर्किट बनाते होंगे किसी भी ट्रांसफार्मर का तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का हम लोग सर्किट डायग्राम यूज करते हैं ये एक टाइप है कभी आपने देखा होगा कुछ बुक्स में इस तरीके का डायग्राम यूज होता है सर्किट डायग्राम ट्रांसफार्मर जिसके अंदर दो लाइने बनी होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्वॉल के बीच में तो कभी कभी ये लाइन जो होती है कांस्टेंट ना रह के टूटी हुई लाइन होती हैं डैश लाइन होती हैं और कभी कभी इस तरीके का वेरिएबल एरो देखने को मिलता है ठीक है तो नाव मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इन सबका क्या मतलब है और ये जो आपने लाइंस देख रहे हो ये क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं सबसे पहले टाइप की बात करें तो ये एयर कोर ट्रांसफार्मर होते हैं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि ये जो है ट्रांसफार्मर की जो आपको जनरली हमने जो ट्रांसफार्मर देखा होता है फेरोमैग्नेटिक कोर बनी होती है जिसपे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लिपटी हुई होती है वहां पर फेरोमैग्नेटिक कोर ना होकर ये दो कॉय जो है वो एयर में है यानी कि वहां कोई भी कोर नहीं है सेकेंड अगर बात करते हैं आयरन कोर की तो ये जनरली ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनके अंदर आपने देखा होगा जो कोर होती है वो नॉर्मली यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक कोर की हम बात करते हैं वही सेम यहां पे यूज होती है थर्ड वन यानी कि अगर डैश लाइन आपको देखने को मिलती है तो ये फेराइट कोर है यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है वो किस चीज की बनी हुई है वो फेराइट मटेरियल की बनी हुई है ना कि फेरोमैग्नेटिक की ठीक है आई होप ये समझ में आ रही होगी नाउ लास्ट वन है वेरिएबल कोर यानी कि ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसकी कोर को चेंज किया जा सकता है यानी कि जिसकी कोर फिक्स नहीं है जैसे कि जनरली अगर मैं बात करता हूं मैं इन चीजों को समझा देता हूं आपको अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर को नजर से देखें तो ट्रांसफार्मर मैंने आपको पढ़ाया है कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे प्राइमरी

होती है ठीक आई होप समझ में आ रहा होगा नाउ ये पूरा का पूरा आइडिया आया कहाँ से है तो ये पूरा का आइडिया जो है ये बेसिकली इंडक्टर से आया टाइप्स ऑफ इंडक्टर से तो जनरली एयर कोर इंडक्टर जिन मतलब ऐसे इंडक्टर जिसके अंदर केवल कोयलिंग है कोई भी अंदर कोर नहीं है ठीक तो वो एयर कोर हो जाते थे आयरन कोर के अंदर क्या होता था कि हम जो कॉपर टंस करते थे वो एक फेरोमैग्नेटिक कोर पे करते थे फेराइट कोर में वही फेरोमैग्नेटिक कोर की जगह हम लोग फेराइड कोर ले लेते थे एंड लास्ट वन इज द वेरिएबल यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कोर ऊपर नीचे मूव कर सकती है नाउ अगर हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की तो एयर कोर ट्रांसफार्मर का बेसिकली इस्तेमाल होता है आर कम्युनिकेशन में यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है और इनका जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है कि हिस्टेरस लॉसेज कोई कम करते हैं यानी कि जो नो नो कोर नो लोड लॉसेज होते हैं यानी कि जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट लॉसेज होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस उन पर उनको ये कम

ठीक है तो एडी करंट को जब हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो एडी करंट लॉसेज नहीं होंगे हीटिंग नहीं होगी इसीलिए इनका इस्तेमाल हम लोग टीवी और एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर में करते हैं ठीक है तो ये भी बेसिकली यानी फेराइट कोर का इस्तेमाल भी नो लोड लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए ही होता है ठीक है लास्ट है वेरिएबल कोर वेरियबल वेरिएबल कोर का सबसे अच्छा जो काफी पॉपुलर नाम है वो एल वी ये आपने मेजरमेंट में पढ़ा होगा इसे ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है यहां पे एल का फुल फॉर्म होती है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर यानी कि इसके अंदर जो कोर होती है वो मूवेबल

अगर इसी तरीके से अगर आपने डायग्राम में बनाया है आयरन कोर और कॉपी में जब सर्किट बना रहे हो तो वहां पे तुम बना रहे हो एयर कोर तो ऐसे में नंबर कट सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी पेपर्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है अगर आप किसी एग्जाम की बात करते हैं एस एस सी जेई या यूपीपीसीएलई -E तो वहां पर कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर कौन सी कोर है और इसका अप्लीकेशन कहाँ है तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी ये शॉर्ट लेक्चर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं कुछ चीज अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कुछ नया सीखा तो भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद